मुर्गा काटता था मैं भी और बकरा काटता था। मुर्गा काटते थे और बकरा काटते थे। और आज लाखों लोगों के दिलों पे खुशबू से हो जाएगा तो मोहब्बत किससे करोगे, प्यार खुशबू से होगा तो मोहब्बत किससे करोगे, अरे ये जवानी अभी उखर जाएगा तो दीवाना किससे करोगे। हम बहक जाएंगे सनम तेरे प्यार में, हम बहक जाएंगे सनम तेरे प्यार में, उल्टा पड़ जाएंगे तेरे दीदार में, जब तेरे घर के सामने चक्कर लगाएंगे तो अभी क्या लोग मुझे लात जूता गिराएंगे। इंग्लिश इंग्लिश, हाउ आर यू, यू आर नाइस, व्हाट आर यू डूइंग, यू हैव माइंड, आई ब्रिंग टू मच कॉमेडी, ब्रिलियंट एंड यू, माई सॉन्ग इज द कमिंग इन द रनिंग लाइट हाईलाइट, यू सी देन योर माइंड इज द टू मच प्रेस, माई माइंड इज द सर्चिंग एनी थिंग एनी मटेरियल एनी देयर एनी हियर, देन आई कैन स्पीक इंग्लिश वेरी। लाखों लोगों के दिलों पर राज करने वाले मणि मिराज जो कि हैं, आज हम उन्हीं से मुलाकात कराएंगे। लाखों लोगों के मन में ये चाहत होती है कि हम भी मणि मिराज से मिले और मणि मिराज के साथ एक सेल्फी हो जाए, वो आज हम आपको सपना साकार कराने जा रहे हैं और आपको रूबरू कराएंगे। अभी मेरे साथ मणि मिराज जी हैं। मणि मिराज जी बहुत बहुत आपका स्वागत है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और दर्शक को प्रणाम करता हूँ और हजार बार प्रणाम करते रहूँगा, क्योंकि दर्शक की वजह से, पब्लिक की वजह से और भगवान के ये दर्शक रूप है, इनके रूप की वजह से मैं जिंदा हूँ और मैं हूँ। अच्छा ये बताइए, आप रियल में मणि मिराज जी हैं? हाँ मैं तो मणि मिराज हूँ भाई। देख लीजिए, यही मणि मिराज जी हैं जिनका आप कॉमेडी सुनने के लिए, देखने के लिए आप लोग तरसते रहते हैं और वीडियो का इंतजार करते रहते हैं। तो हम चाहेंगे सबसे पहले मणि मिराज जी अपने डायलॉग जो कि देते हैं और उस डायलॉग की वजह से लाखों लोगों के दिल में राज करते हैं, वो थोड़ा सा आप एक बार जरूर अपने दर्शकों को डायलॉग जरा दिखाइए। मास्टर के लड़का हुआ कुछ पढ़ लिख के ज्ञानी बन जा और विद्वान बन जा, ये सर हमके पढ़ा लिखा के विद्वान चाहे ज्ञानी बना दे, ओकरा दाई महतारी हम एक कह दे। क से कहे लिए, ब से बुलाए और प से पूछा है तो साला पूरा एड्रेस सूट के जा, मारता है तो क्या गजब मारता है भाई। अच्छा ये बताइए कि सबसे बड़े आप गाइडर्स किसे मानते हैं अपना? पवन भैया। पवन भैया में खास क्या है? पवन सर, सॉरी, पवन सर में खास क्या है? पवन सर बिहार का, यूपी का पावर स्टार हमारे हमारे हिसाब से है। अच्छा अच्छा ये बताइए कि आगे आपको किस लाइन में जाना है, भोजपुरी इंडस्ट्री में जाना है या हिंदी में या कॉमेडी में ही रहना है? नहीं देखिए, हमको तो टारगेट है कि हिंदी में भी करूँ, बांग्ला में भी करूँ और केरला में भी करूँ और अरबी में, इन तो सुन इसमें इन तो मजनून, यानी आपका क्या नाम है, आप पागल हो, यानी इंग्लिश, व्हाट आर यू नो, व्हाट आर यू थिंक, बांग्ला आती है आपको? अरे हमारा हमी के तो बांग्ला आई सी, तो हमी तो बांग्ला बोले, किंतु भलो आशी, हमी तो भालो दादा, आपने की खबर लबर, भलो आशी, भालो यानी बाड़ी जाबो, हमी बाड़ी अभी थकले दिखे, अपने समाचार खत्म करबो तो अभी बाड़ी जाइबो, समाचार खत्म करके बाड़ी जाबो? हाँ हमी तो बाड़ी जाइबो। अच्छा कितना भाषा आपको आता है? मुझे 6-7 भाषा आता है। 6-7 भाषा, कौन कौन सा आता है? नेपाली थोड़ा आता है, केरला थोड़ा आता है थोड़ा, लेकिन केरला वाला वो पोड़ा पोड़ी मैं ऐसे थोड़ा गलत वाला थोड़ा ज़्यादा सीखा हूँ, लेकिन अरबी बराबर मालूम है, इंग्लिश बराबर मालूम है, बांग्ला बराबर मालूम है और भोजपुरी तो जानते ही बड़ा, भोजपुरी बिहारी यूपी के लैंग्वेज हुए, तो भोजपुरी के साथ भोजपुरी मालूम हो, हिंदी भी मालूम बटे, ये तो तक पता है। इंग्लिश इंग्लिश, हाउ आर यू, यू आर नाइस, व्हाट आर यू डूइंग, यू हैव माइंड, आई ब्रिंग टू मच कॉमेडी, ब्रिलियंट एंड यू, माई सॉन्ग इज द कमिंग इन द रनिंग लाइट हाईलाइट, यू सी देन योर माइंड इज द टू मच प्रेस, माई माइंड इज द सर्चिंग एनी थिंग एनी मटेरियल एनी देयर एनी हियर, देन आई कैन स्पीक इंग्लिश वेरी नाइस। तो आप देख रहे हैं कि मणि मिराज जी इंग्लिश भी एकदम फाड़ रहे हैं, बांग्ला भी फाड़ रहे हैं और नेपाली भी इनको आता है, अरबी भी आता है जी। यस सर। अच्छा ये बताइए कि आप इस कॉमेडी लाइन में आने से पहले आप पहले क्या करते थे? पहले मुर्गा काटता था मैं भी और बकरा काटता था। मुर्गा काटते थे और बकरा काटते थे। हाँ।
और आज लाखों लोगों के दिलों पे राज कर रहे हैं, कैसा लग रहा है? ये तो बहुत अच्छा लग रहा है और भगवान का आशीर्वाद है कि मैं भी अब राज कर रहा हूँ और लोग मुझे प्यार दे रहे हैं। दर्शक भगवान के रूप है भैया लोग, आप लोग ऐसे ही आशीर्वाद देते रहो और ऐसे ही प्यार देते रहो। देखिए जब भगवान आशीर्वाद दे दिया, भोलेनाथ शंकर भगवान जब हमको आशीर्वाद दे दिए, चेहरा किसी का दे दिए, तो भैया लोग जैसे सलमान खान का डुप्लीकेट से, शाहरुख खान का, पवन भैया का, पवन सर का और खेसारी सर का, तो सब लोग कितने वायरल हो गए। हमारे बिहार यूपी का जनता बहुत भोली है, बहुत प्यारी है। भैया लोग ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, आज हमको करेंगे, आपको कोई घर वाला करेगा, आपको कोई भगवान करेगा। देखिए जो दूसरे का सपोर्ट करता है ना, उसको भगवान जरूर सपोर्ट करते हैं। तो ये वो मनी मिराज नहीं है जिनका घर मुजफ्फरपुर है, ये हम मनी मिराज जिनको आप देख रहे हैं, ये गोपालगंज जिला से आते हैं और लाखों युवाओं के दिलों पर राज कर रहे हैं। आप मनी मिराज के होम सकल हैं? बिल्कुल हाँ, मैं हम सकल हूँ, वही तो बोल रहा हूँ, मनी मिराज हूँ। सब जगह मैं हम सकल हूँ, मनी मिराज नहीं हूँ, लेकिन कहीं भी जाऊँगा तो मनी मिराज, मनी मिराज। अगर भैया लोग मैं मनी मिराज नहीं लगूंगा ना, अगर नहीं दिखूंगा, अगर हम मनी मिराज ना बुझाए ना, तो हमारा का जूता से चौराहे पर मरिया लोग जहाँ मिल जाता। अब मनी मिराज अगर मनी मिराज भाई के जैसे लौकत ना, अब भगवान आशीर्वाद दे दिलवा ना, तो खाली उंगलियाँ तनिक कपकगा मत, तनि ठोक दलो और तनि हेनर दबा दलो भैया लोग कि हम कुछ करे लायक हो जाए और गरीब के कुछ धरे लायक हो जाए। कितना लोग से ठोकवाओ के विचार बा? आ जितना लोग ठोकिए लो उतना लोग के सहे के क्षमता बानू बस। तो ये बताइए कि एक हम आपके दिलों का राज बात पूछ सकते हैं? हाँ जोन पूछा तो हम अपने भगवान जे दर्शक बालो ना, भगवान के रूप बोलो, हम सीधा एकदम खोल के बताए। करोड़ों का मनी मिराज घर बनवा लिए और आज बहुत ही बड़े सेलिब्रिटी हो गए हैं, आप कितना का घर बनवाने का सपना रखे हैं? सपना भैया देखो, हमार जेबो ना हमारा घर में तो मनी मिराज भाई से कोनो हमारे घर में कम नहीं की। अच्छा तो तो बाबूजी की कमाई हुई, अपना ना अपना कमाई से हमार कमाई से जितना दर्शक लोग बाल लो ना, गरीब लोग, गरीब टूटल फूटल उजड़ल जेके केहू सहारा नहीं के ना, जोन लड़की हमारे घर में आवे सन न 2000 उनकर माई लोग आवे, बहुत लड़की के माँ बहन कोई भी आती है 2000 दे दो, 3000 दे दो शादी कराना है। मैं दिया हूँ भाई, यानी मनी देता हूँ। मेरे घर में एसी लगा है, टाइल्स लगा है, गाड़ी है, सब कुछ है भैया, कोई चीज का भैया लोग कमी नहीं है, झूठ नहीं बोलेगा। पैसा आएगा, मुझे हर गरीब के घर में जाते हुए देखोगे और आप लोगों को लेकर जाएगा। उस दिन मेरा दर्शक लोग और आपके दर्शक लोग इतना प्यार देंगे ना कि ये भाई को पैसा की जरूरत नहीं है, गाड़ी का जरूरत नहीं है, बंगला का जरूरत नहीं, भगवान हमको सब कुछ दे दिए हैं, सब कुछ दे दिए हैं, सब कुछ दे दिए, बस लोगों का आशीर्वाद चाहिए, लोगों का आशीर्वाद चाहिए और लोगों का प्यार चाहिए। जिस दिन लोगों का आशीर्वाद निकलेगा तो मैं भी धमाल कमाल और धमाके के ऊपर धमाका नहीं करेगा, ये मेरा वादा है, नहीं करेगा तो भी जूता से मारिए, सीधी बात। यानी ये मनी मिराज सिर्फ कॉमेडी नहीं बनाते हैं और सिर्फ पैसा कमाने का इनके अंदर लालसा नहीं रहता है, लालच नहीं रहता है, ये मनी मिराज लाखों बहनों की, लाखों लड़कियों की शादी भी कराते हैं और उन लोगों की जो भी जरूरतें होती है वो पूरा भी करने का काम करते हैं, अपने घर से पैसा भी देते हैं। और इनका कहना है साफ तौर पर कि हम मुर्गा काट करके, बकरा काट करके करोड़ों का घर बनवाए हैं, मेरे घर में एसी भी लगा है, टाइल्स भी लगा है, लोगों का बस प्यार चाहिए, दुलार चाहिए, आशीर्वाद चाहिए। ये बताइए कि जब आप फील्ड में निकलते हैं तो आपको लोगों का प्यार कैसा मिलता है, क्या लगता है? लोग तो देखिए बहुत प्यार देने वाले, ऐसा महसूस होता है उस टाइम? वो टाइम बहुत अच्छा लगता है, लेकिन बहुत लोग गाली देने वाले हैं, बहुत लोग समझाने वाले हैं कि थोड़ा वीडियो में गाली गलौज मत करो, गाली गलौज क्यों करते हो, गाली गलौज करते हो बच्चे लोग खराब हो रहे हैं, लड़के लोग खराब होते हैं। तो मैं बोला भैया अभी तक मेरा वीडियो आया नहीं, वो मनी मिराज सर का वीडियो है, मेरा जब वीडियो आएगा तो नहीं करेगा। तो बोलते हैं ठीक है, थोड़ा आप जब मनी मिराज का चेहरा हो तो मनी मिराज भैया से तो बात होती होगी, थोड़ा उनको समझाओ। मैं बोला भाई मैं कौन समझाने वाला हूँ, जो आदमी खुद समझ रहा है, खुद जान रहा है, वो पूरा दुनिया को समझ रहा है। और जाहिर सी बात है बहुत ऐसे सारे लड़के हैं जो अच्छा वीडियो बनाओ तो नहीं देखते हैं, लेकिन मैं तो ट्राई करूँगा, मेरा वीडियो चले या ना चले अच्छा की ट्राई करूँगा। और गाली गलौज है, गाली गलौज की बात है तो मैंने गाली गलौज बहुत आदमी नहीं देता है, लेकिन ये बताइए आप गाली दीजिएगा कि नहीं अपने वीडियो में? नहीं मेरे देखिए वही तो बोलता हूँ ना, गाली गलौज बहुत आदमी बोलता है कि वो गाली गलौज नहीं देता है, वो बात को काट देता है लास्ट में, बात को काट दो या छाट दो, बच्चे लोग का समझ में नहीं आता है ना, आपको समझ में आएगा, मुझे समझ में आएगा, लेकिन जब मेरा वीडियो आएगा भैया लोग एकदम साफ सुथरा आएगा और धमाके के ऊपर धमाके आएगा। और कॉमेडी कैसे होता है वो मैं देखिए, मैं तो नियाउर हो जाए
और जमाने को रंग नहीं दे देंगे, अरे आपको कम नहीं दे देंगे, जमाने को रंग नहीं दे देंगे और आपको कम नहीं दे देंगे, ऐसा ऐसा धमाका पे धमाका लाएंगे और बाजा पे बाजा बजाएंगे, अपने आप रंग में ढाल के हर किसी को हंसाएंगे, ऐसा ड्रामा लाएंगे। प्यार खुशबू से हो जाएगा तो मोहब्बत किससे करोगे, प्यार खुशबू से होगा तो मोहब्बत किससे करोगे, अरे ये जवानी अभी उखड़ जाएगा तो दीवाना किससे करोगे, हम बहक जाएंगे सनम तेरे प्यार में, हम बहक जाएंगे सनम तेरे प्यार में, उल्टा पड़ जाएंगे तेरे दीदार में, जब तेरे घर के सामने चक्कर लगाएंगे तो अभी क्या लोग मुझे लात जूता गिराएंगे। वाह क्या शानदार शानदार कॉमेडी कर रहे हैं। और मणि मिराज जी ये बताइए कि आपको प्यार वार हुआ है कि नहीं, सही सही बताइएगा। प्यार तो बहुत हुआ यार, प्यार बहुत हुआ है, बहुत हुआ। सक्सेस भी हुआ है कि धोखे मिला है? नहीं देखिए प्यार करने में तो अगर दिल से करो ना तो धोखा मिलता है, अगर दिल से करो तो धोखा नहीं मिलता, जिसको चाहो वो नहीं धोखा देता है, जिसको चाहो वही धोखा दे देता है। अच्छा तो आपके साथ क्या हुआ है? मेरे साथ तो देखिए मैं बहुत प्यार किया, बहुत पैसा लुटाया, बहुत पैसा दिया, जिसको मैं चाहा वो लोग प्यार किया मेरे से, समझ गया मतलब से, लेकिन दूसरे के पास गया, जिससे मैं नहीं किया वो लोग तो प्यार करते रहा, प्यार करते रहा, लेकिन हम उसकी तरफ देखा, इग्नोर करते रहा। हाँ इग्नोर करते रहा। तो ये मणि मिराज जी को प्यार भी होता है और ये प्यार में लाखों पैसे को लुटा देते हैं, लेकिन हम मणि मिराज जी से एक और सवाल करना चाहेंगे। इंग्लिश एकदम गर्दाफार बोल रहे हैं, नेपाली भी बोल रहे हैं और अरबी भी भाषा बोल रहे हैं, लेकिन मणि मिराज जी आप पढ़ाई कितना क्लास तक किए? पढ़ाई की बात किए ना तो मैं बता रहा हूँ, मुझे लैंग्वेज अच्छा मालूम है, मुझे अपना बिहार और यूपी का, क्योंकि मेरी माँ यूपी की है, मेरी बहन यूपी में गई है, मेरा आधा रिश्तेदारी यूपी में है, आधा बिहार में। मणि मिराज जी का रिश्तेदारी जो है आधा यूपी में है और आधा बिहार में है, तो हम चाहेंगे कि यूपी और बिहार वाले रिश्तेदारों के बारे में भी कुछ कहिए। देखिए मेरी माँ यूपी की है और मेरा बाप बिहार का है, और मेरी बहन यूपी में चली गई है, और मेरा भाई का यूपी में शादी हुआ है। अच्छा। मेरा बिहार में हुआ है, यानी शादी बिहार में हुआ है। हम लोग यूपी के बॉर्डर पे हैं, यानी हर तरफ से इधर से यूपी इधर से यूपी इधर दोनों जगह का मजा, दोनों जगह का मजा मिल जाला, दोनों जगह रिश्तेदारी हो जाला, बड़ा मजा आ जाला। अगर लड़की बढ़िया ना मिले तो यूपी में घुस जानी जा, अगर लड़का बढ़िया ना मिले तो बिहार में घुस जानी जा। एगो बात कहतनी, हम जो कॉमेडी एकदम बनाए ना सही कहतनी, हम सोच ले बनी माइंड में बिठा ले बनी, अमेरिका लंदन और जापान तक ले लेके जाए, और बांग्लादेश पाकिस्तान से लेके अफगानिस्तान तक ले लेके जाए, समझ गए, हमार कॉमेडी मेरा कॉमेडी आएगा एकदम लाजवाब आएगा, क्योंकि बांग्ला भी मालूम है, इंग्लिश भी मालूम है, गल्फ कंट्री तो भूल गया, इसको गल्फ कंट्री में ऐसा प्रोजेक्ट लाएगा ना, ऐसा प्रोजेक्ट लाएगा ना, पहन वहन के ऐसे ऐसे फाड़ू एकदम एकदम गर्दा कर देगा। रशिया में भी जाएगा? रशिया में तो रस मलाई खाएगा, रशियन संग दिखाएगा ना, वो कनिया का दिखाएगा ना, तबे ना ऐसा नहीं जा रस मलाई खाएगा अपने इंडिया, तब कहीं से जहां बिहार के केहू बा है, बिहार के केहू शेर निकलल बाटे। लेकिन पवन भैया के साथे अबे मिले, पहले छोटा छोटा कृष्णा भाई बाड़न उनका साथे एगो भाई भाई के झगड़ा आइल बा, उनका साथे काम करत जा, बाद में उनका साथ काम करत करत हमार फेवरेट पवन सर है, पवन सर का जूता उठा लूंगा, चप्पल उठा लूंगा, या कुछ भी काम कर लूंगा, बोलूंगा सर मुझे एक एंट्री दे दीजिए या फोटो दे दीजिए, और धीरे धीरे उनको दिलों का मालिश करते रहेगा, अगर नहीं मिलेंगे ना तो हम क्या करेगा, उनके घरों पर धरना प्रदर्शन कर लेगा। पवन सिंह नहीं मिलेंगे तो मणि मिराज उनके घर पे धरना प्रदर्शन करेंगे। मणि मिराज जी पवन सिंह में खास क्या है ये बताओ? अरे पवन सर तो पावर स्टार यूपी बिहार के बड़ा भवन, एकदम पावर स्टार के जैसे जब चलल न तो बढ़िया बढ़िया जाना का पैंट गीला हो जाला। अच्छा बड़े बड़े गुंडा लोग कह लो साला सबसे जुड़ लेकिन पवन सर से मत जुड़े, नहीं तो एकदम उजार दियो ना, एकदम फाड़ दियो। अच्छा कहे कि एकदम शेर के जैसे हमारे पवन सर, पूछो मत। आपको कौन सा सॉन्ग पसंद आता है, थोड़ा सा दर्शकों को सुनाइए एक बार। दिलवा में आग लगा के गई लू फी
दिलवा में आग लगा के गईलू तोड़ के हमके बर्बाद कह के गईलू। हम ताके चाहत रहनी घरवा पे जाके जूता चप्पल अपनी माई बाप से मरवैलू। हम ताके चाहत रहनी घरवा तार जा के लेकिन जूता चप्पल हमके अपनी माई बाप भाई से मरवैलू। दूसरा से प्यार करके दिलवा पे खंजर काहे चलैलू दिलवा के तोड़ के। रूठल बा टूटल बा जौने प्यारे ही कोलो अब नाई गलती होई रसमलाई धोलो। माने ये मेरा जोड़ुआ गाना है और आने वाला है बहुत, माने ऐसा ऐसा माने गाना बना। संग में आपको सबसे अच्छा संग किसका लगता है? देखिए पवन सर का हमको सॉन्ग लगता है अच्छा और खेसारी भैया का लगता है सबसे अच्छा इन्हीं का। मेरा जी का साफ तौर पे कहना है कि जब मेरा वीडियो आएगा कॉमेडी आएगा तो इंडिया छोड़ दीजिए, रसिया वाले लोग भी देखेंगे, गल्फ कंट्री वाले लोग भी देखेंगे, पाकिस्तान वाले लोग भी देखेंगे, लेकिन इनको इनका साफ तौर पे यही कहना है कि हम लोग हमको जो वीडियो दिखाना है रसियन वाली लोगों को दिखाना है और इनका दिल टूटा है उस पर भी इन्होंने गाना गा करके और कॉमेडी मार करके आप सभी दर्शकों को इन्होंने सुनाया। अब लाखों युवाओं के दिलों पे राज करने वाली मनीमराय आज बहुत ही बड़े सेलिब्रिटी हो चुके हैं। बिहार ही नहीं, बिहार के अलावा अन्य राज्यों में इनको पसंद किया जा रहा है और लाखों युवाओं लाखों बूढ़े बुजुर्गों माताएं बहनें इनको पसंद कर रही है और सुनना चाह रही है और इनका कॉमेडी देखना चाह रहे हैं लोग। मुझे लगा कि मनीमराज से मिलना चाहिए और आज हम आपको रूबरू कराएं। बाकी आप मनीमराज को सुनने के बाद देखने के बाद क्या सोचते हैं, इनका कॉमेडी आपको कैसा लगता है कमेंट बॉक्स में बताना जरूर ना भूले और इनको इतना लाइक ठोकाई कीजिए। इनके पास सहने का क्षमता है, लाइक ठोकना है, लाइक ठोकना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। बाकी आपकी क्या प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।